जय माता दी। प्रिया मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बताने जा रहा हूँ अमावस्या के बारे में। साल 2021 की अंतिम अमावस्या कब है और अमावस्या के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिसे करने से आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि के अंदर कोई भी कमी देखने को ना मिले। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी उनके लिए उपाय करते हैं। तो उपाय आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान सरल उपाय होंगे जिन्हें करने से आपके घर परिवार में कोई भी परेशानी अगर आपको देखने को मिल रही है तो वो परेशानी आपकी ठीक हो जाएंगी। साल 2021 की लास्ट अमावस्या मतलब अंतिम अमावस्या 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार के दिन रहेगी। शनिवार की अमावस्या जो होती है वो शनिचर अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। और अमावस्या के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसे करने से आपके जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां हमें रोज देखने को मिलती है वो परेशानी आपकी जल्दी ठीक हो जाए। आपके घर के जितने मेंबर होते हैं, मान के चलिए आपके घर के 5 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं, तो आपने उतनी रोटी बनानी है और उन रोटी बनाकर रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ रखकर अपने परिवार के मेंबर का सभी का अलग अलग से हाथ लगवाकर अगर आप किसी आवारा पशु को डालते हो तो आपके घर परिवार के अंदर खुशियाँ बनी रहेंगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी जीवन में कोई भी परेशानी देखने को आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा जो उपाय बता रहा हूँ, शनिवार के दिन मतलब अमावस्या के दिन शनिवार के दिन अगर रात्रि के समय आप तेल का एक दीपक जलाना है आपने पीपल के नीचे, लेकिन उस तेल के अंदर अगर आप काले तिल डालकर अगर आप जलाते हो पीपल के नीचे दीपक, तो आपके घर में जो आपके बनते हुए काम के अंदर प्रॉब्लम अड़चने आ रही है तो वो आपकी रुकावटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब अगर आपके कारोबार के अंदर बरकत देखने को नहीं मिल रही, आपके हर काम के अंदर परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं और रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, फिर भी काम आपके नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक नारियल लेकर उसके ऊपर आप नारियल जो आपने लिया वो पानी वाला नारियल लेना जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, वो नारियल आपने ब्राउन कलर का लेकर उसके ऊपर एक कॉइन रखकर, कॉइन मतलब 1 रुपये या 5 या 10 का कोई भी सिक्का रखकर उसके ऊपर नारियल के ऊपर आपने 7 बार लाल धागा लपेटना है उस सिक्के के ऊपर से लपेटते हुए, और गांठ उस धागे की आपने नहीं लगानी है। अपने से वार कर या अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवा कर, या तो आप अपने से वार लीजिए या आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवा कर शनिवार के दिन अमावस्या के दिन अगर आप पीपल के नीचे रखकर आ रहे हो या आप शनि मंदिर में रखकर आ रहे हो तो आपके काम के अंदर कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो वो परेशानी आपकी ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा उपाय जो उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, साल 2021 के दिन मतलब पूरा साल हमारे ऊपर जो भी परेशानियाँ आई, ऐसी कोई भी परेशानी अगर हमें सोच के चलें कि साल 2022 के स्टार्टिंग में हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानी ना देखने को मिले, तो एक उपाय आप वो भी उपाय आप सभी कर सकते हैं जिससे आपके घर के अंदर कभी भी कोई खुशी के अंदर विघ्न नहीं आएगा, कभी भी आपके कोई काम के अंदर रुकावटें परेशानी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो बरकत भी आपके घर में बननी शुरू हो जाएगी। एक नारियल आपने वैसे पानी वाला लेना है जिसके ऊपर माता पे जो नारियल चढ़ाया जाता है जो ब्राउन कलर का होता है, उस नारियल के ऊपर सरसों का तेल लगा लीजिए। सरसों का तेल लगाने के बाद उसके ऊपर काले तिल डाल दीजिए। उस नारियल को जो उसके ऊपर आपने काले तिल डाले हैं लगाए हैं सरसों का तेल लगाकर अपने परिवार से वार कर अगर आप शनि मंदिर में जाकर रख कर आ रहे हो या आप किसी पीपल के नीचे रख कर आ रहे हो अमावस्या के दिन, तो आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही थी वो परेशानियाँ आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।